हेलो गाइस, सो टिल नाउ हमने लोकल डिफरेंसिंग एनवायरनमेंट तक पढ़ लिया है, तो आज हम पढ़ेंगे पैरामीटर पासिंग मेथड्स एंड ओवरलोडेड सब प्रोग्राम जितना हो पाए। चलिए शुरू करते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा लोकल पैरामीटर पासिंग मेथड है, तो हम गीक्स फॉर गीक्स से हम रेफरेंस लेंगे, ठीक है? यहाँ बहुत अच्छे से समझ है, इससे समझते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, सिंपल सीधा, जो कॉल कर रहा है उसको कहते हैं कॉलर। जिसको कॉल कर रहे हैं वो कॉल्ड फंक्शन बोल लो या कॉली बोल लो, बात एक ही है, इतना याद रखना। एग्जांपल दिया है, सपोज से आपको एक फंक्शन है बी, वो कॉल्ड है फंक्शन ए से, ठीक है? तो सीधे समझ में आ गया होगा कि इस केस में हमारा जो ए है वो कॉलर है, क्योंकि इसने कॉल किया है बी को, ठीक है? और कॉल किया किसको है, वो हमने किया है बी को, तो बी क्या होगा, हमारा कॉल्ड और कॉली, ठीक है? अब जो है, जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं ए में, वो हमने भेज दिए बी में, जो हमारे इसमें आर्ग्यूमेंट्स थे वो हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है? तो जो ये इसमें आर्ग्यूमेंट्स थे, ठीक है, जो हमारे वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट थे, और जो बी में थे आर्ग्यूमेंट वो थे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि बी को हमने कॉल किया है, ठीक है? अब मोड्स देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट थे, ठीक है? सो जैसे कि जब हम इन मान, तीन होते हैं इन आउट इन आउट, ठीक है? इन माने जब हमने कोई चीज़ कॉलर से कॉली में भेजी है, मतलब ए ने कॉल किया है बी को, तो ए के पास कोई वेरिएबल्स होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उसने वो पास कर दिए बी में, तो ये हो गया इन, जब कॉलर ने कॉली में कुछ चीज़ ट्रांसफ़र कर दी इन। और आउट उसका अपोजिट समझ लो, कि कॉली ने कोई चीज़ राइट्स करी इन कॉलर, ठीक है, कोई चीज़ रिटर्न कर दी, राइट कर दी, तो वो हो जाएगी हमारी आउट, ठीक है? तीसरा होता है इन आउट। इन आउट क्या होता है, कि जो हमारी कॉलर होती है ना, कॉलर जो कॉल कर रहा है उस फंक्शन को, वो कॉली को उसके पास जो वेरिएबल्स होंगे उसको अपडेट कर सकता है, ठीक है? कैसे, जैसे हमारा एक फंक्शन ए है, फंक्शन ए के पास कोई वेरिएबल है, उसने बी को दिया, बी को दिया, अब बी क्या है, इसने फंक्शन इन ने दोबारा से एक अपडेटेड वैल्यू दी, फिर बी ने आउटपुट दिया, जैसे इन आउट होता रहेगा, इन आउट, पहले इसने वैल्यू दी, इसने बी ने, फिर चलता रहेगा, तो ये इन आउट में आ जाते हैं, ठीक है? सो हम देखते हैं इसमें कुछ वो हमारे मेथड पासिंग तरीके होते हैं, उसमें से कुछ बहुत पॉपुलर हैं, तो वो हम पढ़ते हैं, फिर हम जो कुछ पॉपुलर नहीं उनको भी पढ़ेंगे, जो यूज़ नहीं होते हैं। पहला है पास बाय वैल्यू, सिंपल है, दो अक्षर में बताऊँ, हम अभी तक जितने हमने पढ़े, जो हमने ये एग्जाम्पल लिया था, ये पास बाय वैल्यू है। डायरेक्ट आपने ये जो फंक्शन है, ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, आपको समझना आएगा। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन में हमने वैल्यूज पास कर दी, ये 5 और 7 ये वैल्यूज़ हैं, हमने इसको पास कर दी इस फंक्शन में, ये हो गए सिंपल पास बाय वैल्यू, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये हमारा, इसमें वैल्यूज़ थी हमारी 10 12, हमने इसको पास कर दिया एक फंक्शन में, ये सिंपल पास बाय वैल्यू था, कुछ नहीं था इसमें पास बाय वैल्यू में। दूसरा होता है पास बाय रेफरेंस, क्या होता है, हमारे दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल को हमें सपोज स्वैप करना है, तो स्वैप करेंगे तो वो फंक्शन के थ्रू स्वैप नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम फंक्शन लोकली काम करता है पूरा, तो वो लोकल लेवल पर स्वैप कर देगा, बट असली फंक्शन असलियत में वो अफेक्ट नहीं करेगा, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एलियासिंग, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, ये हमारा मेन है, इसमें हमारा एक फंक्शन है, फंक्शन में हमने इस एन वेरिएबल का, ये एन इक्वल टू 10 था, इस एन का हमने एड्रेस पास कर दिया, अब ये एड्रेस पास कर दिया, तो ये जो एन था, एन का एड्रेस था अपना #2008, ठीक है? और इस 2008 में क्या सेफ था, एन इक्वल टू 10 सेफ था, ठीक है? इतना समझिए, हमने जब इस फंक्शन को कॉल किया फंक @n, ठीक है, तो यहाँ void func बना int pointer address, तो pointer हमेशा address को कैप्चर करता है, तो यहाँ एक अलग से वेरिएबल बना add, ये add बना हमारा वेरिएबल, इस वेरिएबल का एड्रेस है #4016, ये हमारे काम का नहीं है, बट इस 4016 में जो ये n है, n का एड्रेस क्या है, 2008, और हमने यहाँ पे इसमें हमने क्या वैल्यू पास कर दी, इसका एड्रेस, n का एड्रेस 2008, तो यहाँ 2008 इसमें आ गया, तो ये #4016 एड्रेस पे 2008 सेफ हो गया, ठीक है? हमने ये क्या है *@=20, तो अब जो भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे ये सीधे n में रिफ्लेक्ट होगा, हमने यहाँ पे 20 कर दिया तो यहाँ 20 में रिफ्लेक्ट होगा, तो इससे हमारी वैल्यू स्वैप हो जाएंगी, और ये
एलियाजिंग होता है, ठीक है। तो हमने इसमें किया कॉल बाय रेफरेंस, हमने एड्रेस के थ्रू काम किया, पहले हमने वैल्यूज़ के थ्रू काम किया, तो वैल्यूज़ हो गए, कॉल बाय वैल्यू हो गया, जहाँ हम एड्रेस देखिए कर रहे थे कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। ये देखिए स्वैप का एक प्रोग्राम बना हुआ है, पढ़ लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि कुछ मेथड्स होते हैं जो अब आजकल यूज़ नहीं होते, पहले बहुत होते थे। एक होता है पास बाय रिजल्ट, ठीक है। तो पास बाय रिजल्ट क्या होता है, ये होता है आउट मोड। मैंने आपको आउट मोड बताया कि एक होता है इन मोड, एक होता है आउट मोड। इन मोड क्या होता है, जब कॉलर कॉली में वैल्यू भेजता है, और आउट मोड क्या होता है, जब कॉली कॉलर में वैल्यू रिटर्न करता है या प्रिंट करता है, ठीक है। तो वो कॉली होता है। तो ये पास बाय रिजल्ट है, तो सिंपली रिजल्ट प्रिंट करेगा, यही लिखा है इसमें, ठीक है। जस्ट बिफोर कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड बैक टू द कॉलर, मतलब हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है अब, ठीक है। जैसे इसने स्वैप नंबर को कॉल किया, अब ये रन हो रहा है, जब अब ये ख़त्म होने वाला है, अब ये ख़त्म होकर रिजल्ट देगा, तो रिजल्ट जो देगा उसको हम कहेंगे पास बाय रिजल्ट, बस इतना है। अब एक होता है पास बाय वैल्यू रिजल्ट, तो ये आई एन और आउट दोनों होता है, ठीक है। सो ये दोनों मोड पे काम करता है, तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन। ये पास बाय वैल्यू रिजल्ट नाम समझ में आ रहा है कि ये कॉम्बिनेशन है पास बाय वैल्यू और पास बाय रिजल्ट का, ठीक है। तो इतना ही है, इसमें इन आउट होता है, ठीक है। एक होता है पास बाय नेम, ये एल्गोल में यूज़ होता पहले। तो ये क्या होता था हमारा कि दिस टेक्निक इज यूज इन प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम। इन दिस टेक्निक सिम्बॉलिक नेम ऑफ अ वेरिएबल इज पास्ड, हम सीधे नेम को ही पास करते थे, उससे हम एक्सेस करते थे, ठीक है। तो ये हमारा था पूरा पैरामीटर पासिंग मेथड, तो हमने ये पढ़ लिया, यही सब हमने पढ़ लिया पास बाय नेम। अब हम पढ़ते हैं ओवरलोडेड सब प्रोग्राम्स, ठीक है। सो ओवरलोडेड सब प्रोग्राम्स होता है, हमने पढ़ा क्या ओवरलोडेड सब प्रोग्राम, ओवरलोडेड फंक्शन सोचना है हमें, हम सिग्नेचर सेम रखना है, आर्गुमेंट चेंज कर दो, वही लिखा है ना। ओवरलोडेड सब प्रोग्राम इज अ सब प्रोग्राम डेट हैज द सेम नेम हैज द अदर सब प्रोग्राम इन द सेम रेफरेंसिंग एनवायरनमेंट। हमने यहाँ पढ़ा था कि ये सेम नेम है, नेम सब फंक्शन का सेम है, बट आर्गुमेंट के हमने चेंज कर दिया, या इंट वेरिएबल है, या डबल वेरिएबल है, या कैर वेरिएबल है। तो वही लिखा है कि हमारे रेफरेंसिंग सेम रहेगी, बट हमने इसमें जो दूसरी प्रॉपर्टीज है उनको हमने चेंज कर दिया है। Every version of a overloaded subprogram must have a unique protocol that is must be different from others. Like इसमें जो कि int है, जब भी हम यहाँ print में int डालेंगे तो सीधे इसको find करेगा, इस वाले को, ठीक है। हमने इसमें जब भी कोई भी string डाली तो ये automatically इसको call करेगा, ठीक है। इस इन दोनों को नहीं करेगा कि यहाँ पे string variable है। तो इसको C++ Java and include predefined overloaded subprograms, so ये इसको करते थे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे जेनरिक सब प्रोग्राम क्या होते हैं। तो अ जेनरिक और पॉलीमॉर्फिक सब प्रोग्राम टेक्स पैरामीटर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑन डिफरेंट एक्टिवेशन, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म सिंपल ये होता है, जो हमारा ओवरलोडेड होता है ना, वो एक तरह का एप्लीकेशन था पॉलीमॉर्फिज्म का। तो होता क्या है, हम एक सेम वेरिएबल रखेंगे, उसके आर्गुमेंट चेंज कर देंगे, तो वो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगा, यही यहाँ लिखा है। Overloaded subprogram provide a particular kind of polymorphism called ad hoc polymorphism. यह word याद रखिएगा, ad hoc. Parameter polymorphism is provided by a subprogram that takes a generic parameter and used in the type expression describe the type of a parameter. ये आपको बता चुका हूँ मैं कि उसके different type कौन है, उसको select कर लेगा। अब generic subprogram कौन है, ADA C++ provide a kind of compile time parametric पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये करता था पैरामीट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो हमने अब कहाँ तक फिनिश कर लिया अपना, हमने आज अपना पैरामीटर पासिंग देख लिया, ओवरलोडेड सब प्रोग्राम देख लिए, जेनरिक सब प्रोग्राम देख लिए। अब हमारे सिर्फ डिज़ाइन इश्यूज फॉर फंक्शन ओवरलोड और कोर रूटीन, दो टॉपिक रह गए हैं। तो अब इसको हम अगली वीडियो में करेंगे।